अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राफ्स और ग्राफ्स के कुछ पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। यस, स्टैंड्स फॉर जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट सॉफ्टवेयर पैटर्न। जैसे कि इसके नेम से जाहिर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करना। गाइड इन असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कोलेबरेटिंग ऑब्जेक्ट। जो हमारे पैटर्न में जो है, जो हमारे सोल्यूशन में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करने का जो सा सारा काम है, हम ग्राफ में देखते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेगा, किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाएंगी, ये चीज ग्राफ में होती है। इसके 9 ग्राफ पैटर्न है हमारे पास। क्रिएटर, इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट, लो कपलिंग, हाई कोहियन, कंट्रोलर, इंटरेक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, प्रोटेक्टेड वेरिएशंस एंड प्योर फैब्रिकेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली ग्रास्प में जो बेसिक मेन चीज जो है ना, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी अकम्प्लिश बाय सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट कोलेबरेटिवली अकम्प्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सी है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी कर सकता है और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलेबरेट करके वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकम्प्लिश कर सकते हैं। हम आगे हमने पिछली वीडियोज में हमने देखा था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज नहीं देखी तो प्लीज जाके देख लीजिए, क्योंकि आपको इसकी समझ नहीं आएंगे। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि डिजाइन पैटर्न होते क्या है, वो उनकी जरूरत क्यों हुई, तो बेसिकली ग्रास में ये होता है कि हमारे पास प्रॉब्लम होती है, हम उसको सॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। ग्राफ्स हेल्प अस इन डिसाइडिंग विच रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी असाइन टू विच ऑब्जेक्ट। ग्राफ्स किस चीज में मदद करता है कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से ऑब्जेक्ट को देनी चाहिए। जैसे कि इसके नेम से जाहिर है जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट सॉफ्टवेयर पैटर्न, के कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको असाइन करनी है। Identify the object and responsibilities from the problem domain and also identify how objects interact with each other. हमने कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स है। हमें एक प्रॉब्लम दी जाएगी, हमने उसकी उस प्रॉब्लम में ये चीज देखनी है कि हमारे पास कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं और कौन कौन सी इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो हमने उसके हिसाब से पहले वो प्रॉब्लम डोमेन में से हमने वो चीजें आइडेंटिफाई करनी और फिर ये भी देखना है कि ऑब्जेक्ट्स आपस में कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्राफ्स का सबसे फर्स्ट पैटर्न हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रिएटर। क्रिएटर से हमें क्या पता चलता है, इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि कौन क्रिएट कर रहा है, हु क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कौन कर रहा है, और हु शुड क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस ऑफ सम क्लास। कि किसी क्लास का अगर कोई न्यू इंस्टेंस हमने क्रिएट करना है तो वो कौन कर रहा है। क्रिएटर जो सा पैटर्न है वो इस चीज को डिस्कस करता है। कंटेनर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कंटेनर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम दी गई है, सवाल पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट कौन कर रहा है। फिर इसका आंसर दिया गया कि कंटेनर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कंटेनर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। नहीं समझ आई, एग्जाम्पल देखेंगे आ जाइए। डिसाइड हु कैन बी क्रिएटर बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्ट एसोसिएशन एंड देयर इंटरेक्शन। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएटर है, कि ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो उनकी एसोसिएशन है उस चीज की उसकी बेस पे हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएटर है। जैसे ये हमारे पास नेम है, पहले हमने डिजाइन पैटर्न के जो उनसे उसमें देखा था कि हमारे पास डिस्क्राइबिंग डिजाइन पैटर्न में सारी चीजें बताई थी मैंने कि आपके पास नेम है, आपने पहले नेम देना है। नेम क्या है हमारे पास, क्रिएटर। हम कौन सा डिजाइन पैटर्न बता रहे हैं, क्रिएटर। ठीक है, अब नेम ऐसा होना चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम को बताए, आपके सॉल्यूशन को बताए और कंसीक्वेंसेस को इन अ वर्ड ऑफ वन और टू वर्ड्स। ठीक है, हमारा क्रिएटर जो है एक गुड नेम है। प्रॉब्लम हमारे पास अभी क्या आई है, क्रिएटर पैटर्न हमने क्रिएटर पैटर्न ही क्यों चूज किया। हमें प्रॉब्लम क्या आई, हु क्रिएट्स एन ए मीन के ऑब्जेक्ट ए को कौन क्रिएट कर रहा है। तो हमने प्रॉब्लम देखी, हमने देखा कि हमारा क्रिएटर पैटर्न जो है उसमें फिट कर रहा है, तो हमने क्रिएटर पैटर्न यूज किया। फिर इसमें सॉल्यूशन क्या आया, क्रिएटर पैटर्न करता क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। असाइन क्लास बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ क्लास ए इफ वन ऑफ दिस इज ट्रू। क्लास बी को क्या करो, क्लास बी को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दे दो क्लास ए के इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए, अगर ये कंडीशन मैट कर जाती है कि अगर बी जो सा है वो ए को कंटेन कर रहा है। ठीक है, या उसके साथ कॉम्पोजिटली एग्रीगेट है, या बी रिकॉर्ड कर रहा है ए को, या बी क्लोजली यूजेस ए, बी हैज दी इनिशियलाइजिंग डाटा फॉर ए। अगर ये सारी कंडीशंस अगर मेट कर रही है तो बी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि वो क्लास ए के इंस्टेंस को क्रिएट कर सके। अब एग्जांपल देखेंगे, इस एग्जांपल से हमें सारी समझ आ जाएगी आप लोगों को कि इसको कैसे, क्रिएटर क्या है, क्यों, ये वो सब कुछ हम देगा।
कंसिडर वीडियो स्टोर एंड वीडियो इन डैट स्टोर. एक वीडियो स्टोर है, वीडियो स्टोर क्या होता है, जहाँ पे वीडियोज होती है, ठीक है, और एक वीडियो है उस स्टोर में. एक वीडियो स्टोर है हमारे पास, फुल वीडियो स्टोर है, और एक वीडियो है उस स्टोर में, ठीक है. अब आप देख सकते हैं कि इसमें कंटेनर क्या है. कंटेनर क्या होता है, जिसमें कोई चीज रखी जाती है. कंटेनर एक जार की एग्जाम्पल ले लें तो उसमें चीजें रखी जाती हैं. तो जैसे वीडियो स्टोर है वो एक कंटेनर है जिसमें एक वीडियो कंटेन्ड की गई है. वीडियो स्टोर हैज एन एग्रीगेशन एसोसिएशन विद वीडियो. हमने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया कि वीडियो स्टोर जो है वो वीडियो के साथ एग्रीगेशन एसोसिएशन रिलेशनशिप है. इट इज वीडियो स्टोर इज द कंटेनर एंड द वीडियो इज द कंटेन्ड ऑब्जेक्ट. सो वी कैन इंस्टेंशिएट वीडियो ऑब्जेक्ट इन वीडियो स्टोर क्लास. यहाँ पे देखें कि वीडियो स्टोर जो है उसका वीडियो के साथ एग्रीगेशन रिलेशनशिप आ रहा है. एग्रीगेशन में क्या होता है कि जैसे पैरेंट क्लास से वो डिस्ट्रॉय हुई तो जो सिचाई क्लास है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी. तो हमने ये देखा था कि क्रिएटर में अगर कॉम्पोजिटली एग्रीगेट हो रहा है उसके साथ, तो अगर बी जो आया है वो ए के साथ कॉम्पोजिटली एग्रीगेट हो रहा है, तो बी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि वो ए को क्रिएट कर सके, ए क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट कर सके. एज यू कैन सी हेयर कि वीडियो स्टोर जो है वो वीडियो के साथ एग्रीगेट हो रहा है, तो वीडियो स्टोर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि वीडियो को वो क्रिएट कर रहा है. कि जैसे हमारे पास क्रिएट की कमांड आई, तो वीडियो स्टोर जो है वो वीडियो को क्रिएट करेगा. ये था क्रिएटर में. क्रिएटर में बेसिक जैसे पॉइंट्स थे, ये थे कि हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है, कि हमारे पास सिंपल एक प्रॉब्लम आई है कि कौन क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट को. हमने देखना है कि हमारा कौन सा डिजाइन पैटर्न इसमें फिट कर रहा है. हमने नेम दिया, नेम हमारा किया क्रिएटर, ठीक है. सोल्यूशन हमारे पास ये है कि हमारे जो सा ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को तब जो है उसको क्रिएट कर सकता है जब उसके साथ कॉम्पोजिटली एग्रीगेट हो. और भी तीन चार कंडीशन बी रिकॉर्ड्स ए, इस तरह से बी हैज डाटा फॉर ए, बी कैन इनिशियलाइज ए, इस तरह से और भी कंडीशन थी, ठीक है. अगर वो सारी फुलफिल हो जाती है तो वेल एंड गुड, पर अगर एक भी कंडीशन हो जाती है तो ठीक है. तो अगर जो है जो सा बी क्लास बी है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अगर कॉम्पोजिटली एग्रीगेट है तो वो उसको क्रिएट कर सकता है. ये था हमारा क्रिएटर. आई होप आपको समझ आ गई होगी. एक्सपर्ट सेकंड हमारे पास पैटर्न क्या है. एक्सपर्ट से क्या पता चलता है कि कोई भी अगर किसी चीज में किसी फील्ड में अच्छा हो जाए, हम क्या कहते हैं, तुम एक्सपर्ट हो इस चीज के. तो एक्सपर्ट का यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मतलब है. गिवन एन ऑब्जेक्ट ओ विच रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइन टू ओ. अब एक्सपर्ट में हमने ये देखना है कि एक ऑब्जेक्ट ओ है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ओ है, ठीक है, उसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाए. हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, एक प्रॉब्लम हमारे पास अब मौजूद है कि ऑब्जेक्ट ओ है जिसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाए. बेसिकली हमें क्या कहते हैं कि तुम जो सा टीचिंग में अच्छे हो, टीचिंग की बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास, मतलब तुम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो और इसका एक्सपीरियंस भी है, तो तुम्हें ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम दे देते हैं, तुम टीचिंग कर लो, ठीक है. तुम जो सा तुम्हें डॉक्टर का बहुत ज्यादा किया और तुम्हारे पास ये बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन है, तो तुम डॉक्टर बन जाओ. जिसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है हम उसको जो है उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं. कि अगर कंपनी में जो है अगर कोई कोड ज्यादा अच्छा करता है तो उसको उसकी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है. अगर कोई मैनेजर जिसके मैनेजिंग काम जो बहुत अच्छा कर लेता है उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है. एक्सपर्ट में भी वही चीज़ है. एक्सपर्ट प्रिंसिपल सेज असाइन दूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ओ फॉर विच ओ हैज इन्फॉर्मेशन टू फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक्सपर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि ओ को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, दे दो जिसके बारे में उसको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है. दे हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड टू परफॉर्म ऑपरेशन और इन सम केसेज दे कोलेबरेट विद अदर्स टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अभी ऐसा होता है ना कि डॉक्टर जो है उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, पर वो नर्स के साथ कोलेबरेट करता है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्रिएट करने के लिए. कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि वो एसोसिएट कर सकें, यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करनी, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है बस, वो भी समझाने के लिए बस. तो यहाँ पे एक्सपर्ट में हमारे पास ये है कि ऑब्जेक्ट ओ जो है कभी कभार उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, ऑल इन्फॉर्मेशन होती है कि वो जो है उस चीज को ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके. पर कभी कभार इन सम केसेस वो क्या करते हैं कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए. अब हमारे पास वही चीज़ जो हमने पहले क्रिएटर में देखी कि नेम हमारे पास क्या है, इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट. प्रॉब्लम हमारे पास क्या आई कि हमने ये सारा जो था सारा मामला हमारे पास खड़ा हो गया, एक्सपर्ट पढ़ना पड़ गया हमें. व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बाई विच टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ऑब्जेक्ट. क्या बेसिक प्रिंसिपल है कि हम ऑब्जेक्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाए. तो सोल्यूशन इसका क्या निकला, असाइन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द क्लास दैट हैज इन्फॉर्मेशन नीडेड टू फुलफिल. कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाए क्लास को जिसके पास उसको पूरा करने की इन्फॉर्मेशन है.
example for expert. Assume we need to get all the videos of video store. वही video store video वाली example ले रही हूँ मैं कि अगर हम assume करते हैं कि हमने video store में जो सारी videos पड़ी हुई है ना वो हमने लेनी है. We need to get. Since video store knows about all the videos, we can assign this responsibility of giving all the videos can be assigned to video store class. हमने ये देखना है कि video को लेनी यहाँ सारी videos जो video store में पड़ी हुई है ना वो videos हमें चाहिए. ठीक है, हमने ये देखना है कि वीडियो स्टोर के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, वो उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, वो सब कुछ जानता है वीडियोस के बारे में क्योंकि उसके बिल में कंटेंट जो है तो वो उसके साथ बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहता है. तो अगर हमें वीडियोस चाहिए तो हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस को असाइन करेंगे? वीडियो स्टोर को, बिकॉज वीडियो स्टोर नोज अबाउट ऑल द वीडियोस. वीडियो स्टोर इज द इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट. अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट एक्सपर्ट दोनों एक ही बात है. ठीक है, तो वीडियो स्टोर क्या हो गया हमारे पास? इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट. जैसे ये देखें, अगर हमने वीडियो गेट ऑल वीडियोज, अगर हमें वीडियो चाहिए तो हम क्या करेंगे? वीडियो स्टोर में ये मेथड जो है इंप्लीमेंट करेंगे और वीडियो से उसको कंप्लीटली एग्रीगेट है तो ये उससे जो है उसको इन्वोक करेगा और वीडियो क्रिएटर. इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट गेट ऑल वीडियोज. हमारे पास अगर ये चीज, अगर हमें वीडियोज चाहिए तो हम कौन से किस क्लास के पास जाएंगे? वीडियो स्टोर क्लास के पास, बिकॉज वीडियो स्टोर नोज अबाउट ऑल दी वीडियोज. इस वीडियो में हमने ग्रेस्प देखा और रिस्पॉन्सिबिलिटी का देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और फिर क्रिएटर देखा कि क्रिएटर के क्या फंक्शनलिटी, क्रिएटर वाले पैटर्न में क्या क्या आता है, उसकी नेम, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, और एक्सपर्ट में देखा जिसको इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट भी कहा जाता है. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.